आरा के जिला मुख्यालय पर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का महाधरना आहूत किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह एवं संचालन अति पिछड़ा के अध्यक्ष जलालुद्दीन अंसारी एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार ने किया। साथ ही जाप के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि नागरिक संशोधन बिल CAB एक ऐसा बिल है जिसमें जीवी के आधार पर भाजपा सरकार देश में धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। धार्मिक भेदभाव के आधार पर बढ़ने वाले इस कानून को सड़क तक, संसद तक सभी जगह विरोध किया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में एक अमन पसंद देश है जो सरदार पटेल की एकता और गांधी की अहिंसा में विश्वास करता है। इस बिल को लागू करने भाजपा सरकार न केवल संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है, बल्कि इस देश की आत्मा का गला घोटना चाहता है। आप अपने कदम के पड़ोसी को देखिए, वह भाषण हो जाता है, उसकी चिंता आपको कम होगी। चलिए सदर सरकारी अस्पताल में और दवा नहीं है, दवा के बिना वो मरीज मर जाता है, उसकी चिंता आप कब करेंगे? ना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? आज जन अधिकार पार्टी भोजपुर इकाई के द्वारा NRC और JB कैब को लेकर महाधरना का आयोजन किया गया है। हम लोग सरकार से मांग करते हैं, जिस तरीके से धार्मिक उन्मूलन फैलाया जा रहा है बिल के नाम पर, जो सरकार जो बिल लाना ही है तो बेरोजगारी पर बिल लाएं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर बिल लाएं, पर ये सरकार उस पर बिल नहीं लाके सभी सरकारी खजानों को प्राइवेटीकरण करना, उस नाकामियों को छुपाना, उसके बाद ऐसा बिल लाकर लोगों में जहर फैलाना, देश को बांटना, ये इस तरह के सरकार की नीति चल रही है। ये सरकार की नीति जन अधिकार पार्टी इन लोग कभी चलने नहीं देगी, इसलिए हम लोग पूरे बिहार राज्य में जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज ये महाधरना का आयोजन किया गया है। इस तरीके से क्या करेंगे इस धरने के माध्यम से? हम लोग लगातार चाहते हैं सरकार को, पिछले बार भी हम लोगों ने NRC के खिलाफ जब शुरू से जब बिल पेश किया गया था उसके खिलाफ हम लोग के माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने कदम उठाया था, बहुत सारी बातें बोली थी उन्होंने, उसके बाद पुतला दहन किया गया, धरना है। 19 तारीख को हम लोग का पूरे बिहार बंद रहेगा, इसको लेकर लगातार कार्यक्रम, जब तक बिल वापस नहीं हो जाता है हम लोग लगातार